ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन और ये है पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि येलो लाइट इतनी ज्यादा क्यों जल रही है। साइंटिस्ट ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ड्रग एडिक्ट के ब्रेन पर ड्रग्स लेने के बाद जो असर होता है सिर्फ वैसा ही असर पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन पर पॉर्न देखने के बाद होता है। यानी कि ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। और ना सिर्फ ड्रग और पॉर्न एडिक्शन बल्कि किसी भी एडिक्शन का दिमाग पे सेम ही असर होता है, इवन सोशल मीडिया ऐप्स का भी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताऊंगा कि जिसके बाद आप लोग पॉर्न को देखने से पहले 10 मरतबा सोचोगे। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम क्यों बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को ओपन करते रहते हैं? कोई खास काम हो या ना हो, हम फिर भी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ऐसे बेशुमार सोशल मीडिया ऐप्स को बार बार ओपन करेंगे, जबकि हम इस तरह बुक्स को तो कभी भी ओपन नहीं करते हैं। अब इसका सिंपल सा रीज़न है जो कि आपको भी पता होगा कि सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करते हुए, उन पर वीडियोज़ देखते हुए, स्क्रॉल करते हुए हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और कमाल की फीलिंग आती है। और वो फीलिंग इस वजह से होती है क्योंकि हमारा दिमाग उस वक्त डोपामाइन केमिकल रिलीज़ कर रहा होता है, और जब भी ये केमिकल रिलीज़ होता है हमें मज़ा आता है। और हमारा दिमाग इस फीलिंग को पाने के लिए हमें बार बार सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ करने के लिए फोर्स करता है। आपने एक पोस्ट देखी, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज़ होगा। आप स्क्रॉल करोगे, आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होगा। आप स्क्रॉल करते जाओगे और डोपामाइन रिलीज़ होता रहेगा और आपके घंटे गुजर जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। अब जिसको नहीं पता उसे बता देता हूँ कि डोपामाइन को डिज़ायर हार्मोन भी कहते हैं। यानी जब भी किसी काम को करते वक्त डोपामाइन रिलीज़ होता है तो हमारा दिमाग मोटिवेट होकर उस काम को दोबारा से करना चाहता है ताकि उसे फिर से डोपामाइन मिल सके। और जिस काम को करने में जितना ज़्यादा मज़ा आता है उसके उतने ही चांसेस होते हैं कि उस काम को दोबारा से किया जाए। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पॉर्न देखना हमारे लिए आखिर बुरा क्यों है और उसका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? देखो, जब भी हम खाना खाते हैं या अपनी पसंद की मूवी या वेब सीरीज़ देखते हैं या कोई भी वो काम कि जिससे हमें अच्छा फील होता है, तो उस वक्त हमारे दिमाग में नॉर्मल डोपामाइन रिलीज होता है जो कि देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा भी है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा डोपामाइन रिलीज होता है जो हमारे सिस्टम को बुरी तरह से डैमेज करने लगता है। और अगर हमें किसी चीज़ के लिए अच्छा महसूस होना भी चाहिए तो वो भी महसूस होना बंद हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामाइन की भाई, और उसका नॉर्मल क्वांटिटी से अब कुछ होते ही नहीं है। इसलिए स्टार्टिंग में जब भी कोई पॉर्न देखना स्टार्ट करता है तो उसे कमाल की फीलिंग आती है, और इस फीलिंग को पाने के लिए जब वो दोबारा पॉर्न देखता है और फिर उसे अपनी रूटीन बना देते हैं, उसकी हैबिट बन जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता तो कमाल की फीलिंग भी उसे नॉर्मल लगने लगती है क्योंकि अब उसे हाई डोपामाइन चाहिए खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए वो और ज़्यादा पॉर्न देखने लगता है और परफेक्ट वीडियो तलाश करता रहता है सो दैट खुद को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। जिस तरह सिगरेट से एक एडिक्ट इंसान को स्टार्टिंग में 1 से 2 सिगरेट चाहिए, उसके बाद 3 से 4, 5 से 6, और ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है। एग्जैक्ट यही चीज़ पॉर्न देखने वालों के साथ भी होती है। और कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ड्रग्स की एडिक्शन से दिमाग के फ्रंटल लोब यानी कि दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा सिकुड़ने लगता है, और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और डिसीजंस ले पाते हैं। लेकिन रिसर्च स्टडी ने यह भी शो किया है कि सिर्फ ड्रग्स लेने से ही फ्रंटल लोब सिकुड़ने नहीं लगता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन और पॉर्न एडिक्शन से भी हमारे दिमाग का फ्रंटल लोब यानी कि सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सिकुड़ने लगता है, डैमेज होने लगता है। और आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि पॉर्न एडिक्ट होंगे और पॉर्न देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा और नॉर्मल चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा बोरियत होती होगी क्योंकि माइंड को आदत हो चुकी है हाई डोपामाइन की, इसलिए नॉर्मल डोपामाइन में उसे मज़ा नहीं आता है, वो बोर होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करते वक्त कुछ लोगों की जान जा रही होती है और कुछ लोगों को तो अपना ऑफिस का रूटीन काम करते हुए भी बहुत ज़्यादा बेजारी होने लगती है। इसीलिए कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो डे बाई डे कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे इंसान का एडिक्शन लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और डोपामाइन चाहिए होगा, और एक ख़ास टाइम के बाद उसे बाकी कामों में मज़ा आना बंद हो जाएगा और हर काम को करते हुए उसे बेजारी महसूस होगी। वो कुछ खेलने लगेगा, थोड़ी देर के बाद में बेजार हो जाएगा। वो कि मूवी देखने लगेगा, थोड़ी देर के बाद में बेजार हो जाएगा। और जैसे जैसे ये सिस्टम ख़राब होने लगेगा तो आपका ब्रेन हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब ये कि हल्की सी फ़ोन की बेल बजेगी, आप डर जाओगे, कोई दरवाज़ा खटखटाएगा, आप डर जाओगे, आप कोई ज़रा ज़्यादा आवाज़ सुनोगे, आप डर जाओगे।
मतलब ये कि हर छोटी छोटी बात को लेकर स्ट्रेस लेने लगोगे, जिससे आपका सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंट काफ़ी हद तक गिर जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? तो आंसर है यस। लेकिन पहले हम बात करते हैं कि एडिक्ट हुए ब्रेन को सही कैसे किया जाए, यानी कि अगर आप पॉर्न देखते आए हैं और आपका दिमाग ज़रा सा भी डैमेज हुआ है तो उसे ठीक कैसे किया जाए। दिमाग में जो डोपामाइन सेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं उन्हें आप डोपामाइन डिटॉक्स के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या होते हैं? डोपामाइन डिटॉक्स को डोपामाइन फास्ट भी कहते हैं, मतलब ये कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन के लिए डोपामाइन का रोज़ा या फास्ट रखते हैं, यानी आपको उस दिन किसी भी हालत में अपने दिमाग में डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है। उसके लिए आप उन तमाम चीज़ों से दूर रहेंगे जिनकी वजह से आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, यानी मोबाइल फ़ोन, आपकी पसंद का खाना, पॉर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, आपकी फेवरेट मोबाइल गेम और हर तरह की सोशल मीडिया ऐप से आप लोगों ने दूर रहना है। कुल मिलाकर बात करें तो आपको किसी भी हालत में अपने दिमाग से डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना है। और इसके लिए आप एक दिन कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो, और किसी भी हालत में मोबाइल आप अपने साथ नहीं लेकर जाओगे, कोई भी वो काम नहीं करोगे जिसकी वजह से आपको रिलैक्स फील हो या आपके दिमाग से डोपामाइन रिलीज हो। आपको एक हफ्ते में कोई भी एक ऐसी मूवी या गेम या बुक एक्सपीरियंस करना होगा जो बिल्कुल भी आपकी पसंदगी ना हो। और अगर इस दौरान आपको हद से ज़्यादा बोरियत महसूस हो तो समझ लें कि आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि इस एक्टिविटी का मतलब यही है कि हमें किसी भी हालत में खुद को बोर करते रहना है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को बोरिंग चीज़ें करने की आदत डाल दोगे तो आपका दिमाग नॉर्मल चीज़ों में से भी मज़ा निकाल लेगा और आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको कभी भी बेजार या बोर नहीं होने देगा। क्योंकि बात यह है कि बाकी चीज़ें तो फिर भी आपके दिमाग पर इतना असर नहीं डालती हैं, मगर पॉर्नोग्राफी आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल सकती है। और जब आप बोर चीज़ों को करने की आदत डाल लोगे तो आपको नॉर्मल चीज़ों में भी मज़ा आने लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ने लगेगी, आपका फोकस पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये तो था एडिक्शन से अपने दिमाग को दूर या ठीक कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि पॉर्नोग्राफी से आप खुद को कैसे दूर रख सकते हो, मास्टरबेशन से अपने आप को बिल्कुल कैसे साफ कर सकते हो। इसके लिए पॉइंट नंबर 1 है सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी। मतलब ये कि अगर आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो तो उसे आप किसी दूसरी हैबिट से रिप्लेस करोगे। आपको ये देखना है कि आप किस टाइम में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखते हो, और उस टाइम के लिए आपको किसी नई हैबिट को डेवलप करना होगा, और वो हैबिट भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप डेली उस टाइम पर कुछ ऐसी वीडियोज़ देखने लग जाओ जो कि आपकी हेल्थ से रिगार्डिंग हो। ऐसी वीडियोस हमारे दिमाग में अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ग्रीड पैदा करती हैं। आपको खुद को ये रियलाइज़ करवाना होगा कि पॉर्न देखने से आपके फ्यूचर पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। आपको दिमाग में आने वाले ख्यालात पे नज़र रखनी होगी और उनको लिखना होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दिमाग में आने वाले ख्यालात कितने काम की हैं और कितने बेकार हैं। इस तरह आप खुद की शख्सियत को जान सकोगे। जब भी आपका पॉर्न देखने को दिल करे तो आपको सोचना होगा कि आप पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर चुके हो और अब आप बैठकर पछता रहे हो, और ये ख्याल भी आपके दिमाग को ताकत देगा जिसकी वजह से आप पॉर्न से दूर रह सकोगे। या फिर इसका दूसरा सलूशन ये है कि आपका मन जब भी पॉर्न देखने का करे तो आपने सोचना ये है कि अगर मैं मास्टरबेट करते हुए पॉर्न देखते हुए खुद की वीडियो बना लूँ तो मैं कितना ही घटिया भयानक इंसान लगूंगा। तो ये सोच भी आपके दिमाग को ताकत देगी और आप पॉर्न देखने से बच जाओगे। सबसे काम की बात यह है कि इंसान जैसा पढ़ता है, देखता है, सोचता है तो वैसा ही बोलता और करता भी है। तो इस स्टेज पे आकर आपको अपनी पसंद की बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करना होगा, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करोगे तो यकीन मान लो कि आपके ख्यालात और अल्फाज बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि आपने किताब के अल्फाज के ज़रिए अपने दिमाग को इतना भर दिया होगा कि वो कुछ गंदा सोच ही नहीं पाएगा। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप एक बेहतर से बेहतर इंसान बन जाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो तो यार कमाल की है, इससे मुझे फ़ायदा हुआ है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में वो डेट मेंशन करो जिस दिन से आपने ये तहैया किया है कि आप खुद को बदल लोगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।